देखो नेक्स्ट है कि ज़ीनर ब्रेकडाउन, जो डायोड कोई भी डायोड है, या तो वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा या रिवर्स बायसिंग में होगा। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हम चाहते हैं कि उसमें मेजोरिटी करंट जाए और हम चाहते हैं कि वो करंट को पास होने दे। रिवर्स बायसिंग में हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो करंट पास होने दे, हम चाहते हैं कि वो करंट को क्या करे, रोक ले। और उस मींस हम ऐसा कब कर पाएंगे, जब वो रिवर्स बायस्ड होता है। हमने किया ये पीएन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। होता क्या है कि अगर हम पीछे से वोल्टेज को बढ़ा दे, राइट, बैटरी की रिवर्स बायसिंग हुई हुई है। जैसे सपोज करो, मैं यहां पर डायग्राम से समझाता हूं। जैसे सपोज ये आपके पास एक पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये पी और एन, और ये रिवर्स बायसिंग में है, दैट इज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है इसमें, थिक हो जाती है। डिप्लीशन लेयर इज थिक, ऐसे किया था हमने। और पी साइड पर क्या डेवलप हो जाता था, नेगेटिव। एन साइड पे क्या डेवलप होता है, पॉजिटिव। कोई डाउट, यही रूल था। रिवर्स बायसिंग हुई, मैंने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया। हमने डिस्कस भी किया था ये, अगर मैं कुछ ज्यादा ही रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन के बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। और अगर लाखों बॉन्ड टूट गए, जैसे पी में से लाखों बॉन्ड टूट गए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो दैट विल बी, ये नेगेटिव उसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और डिप्लीशन लेयर के थ्रू वो क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। मेजोरिटी नहीं होंगे, माना कि मेजोरिटी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, मेजोरिटी उल्टा जाएंगे, पर इनके अंदर जब माइनॉरिटी क्रिएट हो जाएंगे, क्यों क्रिएट होंगे, क्योंकि आपने वोल्टेज को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, तो जो माइनॉरिटी कैरियर इसमें क्रिएट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे, वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। और जंक्शन का काम था, डायोड का काम था कि करंट को रोकना। माइनॉरिटी करंट बहुत छोटा था, पर माइनॉरिटी करंट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी बॉन्ड टूट जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि डायोड क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, राइट। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट को पास होने देता है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, डायोड का काम है रिवर्स बायसिंग में करंट को ब्लॉक करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब होता क्या है, कभी कभी, ये तो नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड में जब माइनॉरिटी करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें डोपिंग ज्यादा ही कर देते हैं हम लोग। मींस मान लो अगर मैंने पी टाइप में डोपेंट कुछ ज्यादा ही डाल दिए, इमेजिन कर लेते हैं, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि लेट अस सपोज आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपेंट पॉजिटिव, ये होल्स हैं, मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। और इसी के अंदर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो इसी के अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर एन पी की तरफ माइनस था और एन की तरफ पॉजिटिव, जो कि हमने पीएन डायोड में देखा ही था, राइट। जब डोपिंग ज्यादा होती है, बहुत डेंसिटी कर दी आपने इसमें होल्स की, बहुत डेंसिटी कर दी आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, तो उतने ही ज्यादा इसमें क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे डिप्लीशन लेयर की तरफ। अगर बहुत सारे पी में होल्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब आपने इसको कंबाइन किया था, तो रिकॉम्बिनेशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर वो अमाउंट ज्यादा हुआ, तो डिप्लीशन लेयर जितनी भी नॉर्मल दिखती है, वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ मेजोरिटी कैरियर, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ डेंसिटी होल्स है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और जब मूवमेंट स्टार्ट होगी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस केस में डिप्लीशन लेयर नॉर्मल से थोड़ी सी पतली दिखती है, तो इसलिए डायग्राम में क्या लिखा, नैरो डिप्लीशन लेयर। अब जब ये पतली दिखेगी, पतली हो जाएगी, तो इनके बीच में लेट अस सपोज डिस्टेंस कितना है डी, और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना है वी, तो इनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि डी बहुत छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस डिप्लीशन लेयर का बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई डेवलप हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक?
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नॉर्मल डायोड में नहीं होता, पीएन में, ऐसा उन डायोड में होता है जिनके अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही होते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? और जब ऐसा होगा तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां पर डेवलप हो गया। मैंने यहां पर और ज्यादा प्लस और माइनस को डेवलप करवा दिया, यानी कि यहां पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। कोई डाउट इसमें? ये क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आपने ऊपर से क्या किया, रिवर्स बायसिंग कर दी। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? रिवर्स बायसिंग के अंदर पी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, एन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग हो गई। रिवर्स बायसिंग ने क्या किया, ये माइनस है, इसने ऑब्वियसली इन होल्स को तो अपनी तरफ खींच लिया, होल्स को इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, मेजोरिटी कैरियर तो ऑब्वियसली तो जाएंगे जाएंगे, पर क्योंकि वोल्टेज ज्यादा करने से क्या हुआ, यहां पर अंदर सिलिकॉन सिलिकॉन के कोई बॉन्ड्स टूट गए, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा करोगे तो ब्रेकडाउन तो होना ही है, तो सिलिकॉन के बॉन्ड टूटे तो यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिलीज हो गए, होल्स तो इसमें और हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स थे देवर रिपेल्ड बाई नेगेटिव टर्मिनल, और वो जंक्शन की तरफ भागना स्टार्ट हो गए, और यहां से जंक्शन की तरफ इस तरफ जब मूव करते हैं तो यहां से रिवर्स बाइसिंग ने क्या किया, बॉन्ड्स तोड़े, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करता है, और ऊपर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर वो कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आता है इट इज मूविंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रॉन और ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हेल्प कर रहा है कि ये जो बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो राइट की तरफ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर से बाइसिंग भी ये चाहती है कि राइट की तरफ जाए, तो इससे कि माइनॉरिटी कैरियर की क्वांटिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि ये ब्रेकडाउन माना जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करें तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसको बोलते हैं कि डायोड क्या हो गया, ब्रेकडाउन स्टेट में चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन को तो हेल्प मिल गई ना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो दोनों तरफ से हेल्प मिली, और ये इसका रोल क्या था, हाई डोपिंग का, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना, तो यानी कि जिनमें डोपिंग ज्यादा होती है पी और एन में, उनका ब्रेक डाउन होने का चांस उतना ही ज्यादा रहता है, इसलिए डोपिंग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते, डोपिंग ज्यादा करने से रिवर्स बायसिंग में ब्रेक डाउन होने का चांस ज्यादा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और इस ब्रेकडाउन को जब डोपिंग ज्यादा है, इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, इस टॉपिक का नाम है जीनर ब्रेकडाउन। क्लियर है यहां तक? तो इसको लिखने का तरीका जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, अंडरलाइन कर लो, पहली लाइन, दिस प्रोसेस अकर्स इन हैवीली डोप्ड जंक्शन डायोड्स। तो ये प्रोसेस कब होता है, जब जंक्शन डायोड क्या होते हैं, हैवीली डोप्ड होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर क्या है, ड्यू टू हाई डोपेंट डेंसिटी, तो मैंने बोल दिया, इसमें लिखवा दिया पी के अंदर एन के अंदर हाई डोपिंग डेंसिटी है, द विड्थ ऑफ जंक्शन लेयर इज स्मॉल, डी क्या हो जाता है, छोटा, विड्थ क्या हो जाती है, छोटी, एंड बैरियर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, हाई, स्मॉल डी छोटा है तो ई क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, जब लार्ज रिवर्स बायस इज अप्लाइड, ऊपर से आपने क्या अप्लाई कर दी, रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर दी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करवा दिया, ऊपर से बायसिंग भी अप्लाई कर दी रिवर्स, आगे डिप्लीशन लेयर एंड एनर्जी बैंड गेट्स, ऑब्वियसली रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन लेयर जो है वो तो और चेंज होनी होनी है, वो तो चलो बायसिंग की वजह से जो चेंज होनी होनी है, और एनर्जी लेवल भी चेंज होते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा है, जैसे अगर विड्थ कितनी हो, डिप्लीशन अगर विड्थ 10 की पावर -7 मीटर से कम हो, तो छोटी सी 4 वोल्ट की बैटरी भी क्या करेगी, जो उसमें डेवलप होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा डिप्लीशन लेयर के क्रॉस, और 4 × 10⁻⁷ बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी कि डी जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना हाई होगा। दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिप्स ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड विच टनल टू द एन साइड थ्रू द थिन डिप्लीशन लेयर। मैंने क्या बताया कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, बायसिंग भी चाहती है, बायसिंग की वोल्टेज भी हेल्प कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हेल्प कर रहा है, यहां के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और कहां पर भेज देगा, एन साइड पे भेज देगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
इंटरनल फील्ड एमिशन, अंडरलाइन इंटरनल फील्ड एमिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनॉरिटी कैरियर को यहां से यहां भेजना इज नोन एज इंटरनल फील्ड एमिशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर बाकी नॉर्मल है। दिस ब्रेकडाउन इन अ डायोड ड्यू टू द बैंड टू बैंड टनलिंग इज कॉल्ड ज़ीनर ब्रेकडाउन एंड सच डायोड इज कॉल्ड ज़ीनर डायोड। तो ऐसे डायोड को क्या बोलते हैं? ज़ीनर डायोड बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये वर्किंग किसकी थी? इनडायरेक्टली ज़ीनर डायोड की, विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीएन डायोड। तो नॉर्मल पीएन डायोड और ज़ीनर डायोड में डिफरेंस है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो बनती हैं, ये अपने पॉइंट ऑफ रिमेंबर, वो कहेगा ज़ीनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके दिखाओ। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज़ीनर डायोड के अंदर आपने क्या करना है? तो फॉरवर्ड है, रिवर्स में ये रही, और इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो आपको याद होगा ये नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल पीएन डायोड के अंदर भी ऐसा डायग्राम बनता है और ज़ीनर में भी बनता है, दोनों में बनता है एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम बनता है और दोनों में ब्रेकडाउन होता है। एक नॉर्मल डायोड के ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन बोलते हैं और ज़ीनर डायोड स्पेशल डायोड है, इसके ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? ज़ीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। और नॉर्मल डायोड का जो सिंबल होता है वो नॉर्मल होता है, ऐसे होता है पीएन। जो ज़ीनर डायोड है उसका सिंबल भी चेंज है, ये रहा, इसका मतलब होता है हाई डोपिंग। इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है हाई डोपिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो ज़ीनर डायोड का सिंबल क्लियर है, ज़ीनर डायोड नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट है और नॉर्मल डायोड डिफरेंट है। ज़ीनर डायोड में डोपिंग थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है। क्लियर यहां तक? एक और ब्रेकडाउन है जो कि रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। देखो ज़ीनर का ब्रेकडाउन होना तो बनता ही है, ज़ीनर का ब्रेकडाउन होने का चांस ज्यादा ही है, इसमें कोई शक नहीं। और क्यों ज्यादा है ज़ीनर में ब्रेकडाउन होने का चांस? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ डोपिंग बहुत ज्यादा है। कोई डाउट इसमें? अब एक और ब्रेकडाउन है और इसके अंदर लेवल ऑफ डोपिंग क्या है? लो। देखो हाई डोपिंग में तो चांस है कि ब्रेकडाउन होगा, लो डोपिंग के अंदर चांस नहीं है कि ब्रेकडाउन होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन ये हर बार होगा ये कोई जरूरी नहीं है। होता क्या है कि आपने एवलांच सुना होगा, एवलांच, तो एवलांच के अंदर क्या होता है? स्नो थोड़ी सी गिरती है, वो दूसरी स्नो के साथ कंबाइन हो जाती है, बड़ा एक जो है स्नो का, स्नो इकट्ठी बड़ी नीचे आना स्टार्ट होती है और स्नो को लेके आती है और एकदम स्नो का पूरी जो है तूफान स्टार्ट हो जाता है, एवलांच। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, बिल्कुल नॉर्मल डायोड था, कोई ज़ीनर नहीं, डेंसिटी लो थी पी की, डेंसिटी लो थी एन की, दोनों की डेंसिटी एकदम लो थी, राइट। अब क्या हुआ कि ज़ीनर जो नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड की बात हो रही है, इट्स नॉट ज़ीनर, नॉर्मल डायोड में मेजोरिटी कैरियर तो जंक्शन से दूरी थे, डिप्लीशन लेयर थिक थी, सब कुछ सही था, और उसने करंट को ब्लॉक करके रखा हुआ था। इक्का दुक्का जो मैं बोल रहा था कि माइनॉरिटी कैरियर तो क्रॉस कर ही जाते हैं, और मान लो एक दो माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस कर गए, कर रहे थे। जब एक माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस कर रहा था इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन 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 के बॉन्ड से, तो जैसी वो बैटरी की एनर्जी लेके बहुत फास्ट मूव कर रहा था, तो अंदर किसी सिलिकॉन के लाखों करोड़ों एटम है, उसके किसी भी सिलिकॉन एटम के आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जाके उसकी टक्कर हो गई। अब ये चांस की बात है, टक्कर हुई, वो तो घूम रहा था सिलिकॉन के अंदर आराम से इलेक्ट्रॉन, उसने मूविंग इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली और वो नॉकआउट हो गया, बाहर निकल आया। अब दो, और वो भी भागना शुरू कर दिया। अब दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, दोनों ने आगे सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, उनको एनर्जी मिली, अब वो चार बन गए, वो भी अपने एटम को छोड़ के साथ में दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। चार चार ने आठ, आठ ने सोलह, करते 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 पूरा जो है एक विंड स्टार्ट हो गई पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ये चांस की बात है, ऐसा हो गया, एवलांच रोज नहीं आते, पहाड़ पे बर्फ पड़ी पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, गिर गई तो फिर गिर गई। तो ऐसी रोज नॉर्मल डायोड खराब नहीं होगा, वंस इन अ वाइल अगर खराब हो जाता है, उसका एक रीजन ये भी देखा गया, इसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये कब आया गया? जब लो लेवल ऑफ डोपिंग है, रिवर्स बाइसिंग हुई हुई थी, सफिशिएंटली हाई थी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हाईली एक्सलरेट हो गए, बहुत तेज मूव करते हैं, एंड मूव करते करते नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऐसी जो जो न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं ऑल्सो गेट्स एक्सलरेटेड, मूव करते हैं। जब सारे मूव करते हैं तो चेन ऑफ कोलिजन इज सेटअप,
और बहुत लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जंक्शन पे बहुत सारा करंट निकलना जो है पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं कि एक एवलांच हो गया और इसका ब्रेकडाउन हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो दो टाइप के ब्रेकडाउन क्लियर है। तो एक टाइप का ब्रेकडाउन क्या है, पहले टाइप का ब्रेकडाउन है जीनर, और दूसरे टाइप का ब्रेकडाउन क्या है, एवलांच ब्रेकडाउन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे, वी और आई का ग्राफ, नॉर्मल का ये सॉरी जीनर का ये ब्रेकडाउन है, एवलांच का थोड़ा सा लेट होता है ज्यादा रिवर्स बायसिंग पे, तो एवलांच ब्रेकडाउन है। इसका ग्राफ और करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?